हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विम्स वर्ड एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी का लेसन प्लान पढ़ेंगे। उपविषय हमारा व्याकरण, विषय हिंदी, उपविषय व्याकरण, प्रकरण लिंग, छात्र अध्यापिका नाम, विद्यालय का नाम, दिनांक कक्षा सातवीं, वादन पहला, समय 35 मिनट। सामान्य उद्देश्य हमारा विद्यार्थियों में शब्द भंडार का विकास करना। सेकेंड है विद्यार्थियों में व्याकरण के प्रति अनुराग उत्पन्न करना। तीसरा है विद्यार्थियों में वाचन शक्ति का विकास करना। चौथा विद्यार्थियों में शुद्ध उच्चारण करने की क्षमता का विकास करना। पांचवा है विद्यार्थियों में व्याकरण के नियमों से परिचित कराना। छठा है विद्यार्थियों को व्याकरण के विभिन्न शुद्ध शब्द रूपों का स्वरूप का ज्ञान कराना। विशिष्ट उद्देश्य है हमारे विद्यार्थी व्याकरण के अंतर्गत लिंग के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। विद्यार्थी व्याकरण के अंतर्गत लिंग के भेदों का वर्गीकरण कर सकेंगे। विद्यार्थी लिंग के प्रति रुचि उत्पन्न कर सकेंगे। विद्यार्थी लिंग की परिभाषा उदाहरण सहित प्रस्तुत कर सकेंगे। विद्यार्थी लिंग के भेदों को समझ सकेंगे और उनमें अंतर कर सकेंगे। सहायक उपकरण हमारा शाम्पड़, सुधाखंड, रंगीन सुधाखंड, मार्जनी, संकेतिका आदि। विशिष्ट उपकरण है हमारा चित्र। पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी व्याकरण के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। शिक्षण सूत्र, छात्र अध्यापिका ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र का अनुसरण करते हुए अधोलिखित प्रश्न पूछेगी। पहला प्रस्तावना, पूर्व ज्ञान का परीक्षण और नवीन ज्ञान के प्रति अभिप्रेरणा। छात्र अध्यापिका ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र का अनुसरण करते हुए पूर्व ज्ञान के लिए परीक्षण के लिए अधोलिखित प्रश्न। पहला क्वेश्चन हम पूछेंगे, मनुष्य की जाति कितने प्रकार की होती है। छात्र उत्तर देंगे, मनुष्य की जाति 2 प्रकार की होती है। मनुष्य जाति के प्रकारों के नाम बताइए। बताएंगे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जिसमें पुल्लिंग और स्त्री लिंग की पहचान होती है उसे क्या कहते हैं। उसे लिंग कहते हैं। लिंग से आप क्या समझते हैं, तो ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। विधि हमारी प्रश्नोत्तर विधि। उद्देश्य कथन है हमारा उद्देश्य स्पष्टीकरण और पाठोन्मुखीकरण। आज हम व्याकरण के अंतर्गत लिंग के विषय के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि हमारी वाचन विधि। फिर तीसरा पॉइंट हमारा प्रस्तुतिकरण। छात्र लिंग को परिभाषित कर सकेंगे। छात्र अध्यापिका छात्रों को लिंग के विषय से परिचित कराएगी। विकासात्मक प्रश्न, लिंग की कुछ उदाहरण दीजिए। सब उदाहरण देंगे, चाची, नाना, मामा आदि, ये सब लिंग के उदाहरण हैं। सेकंड क्वेश्चन, लिंग की शाब्दिक परिभाषा दीजिए। सब चुप हो जाएंगे, ये अस्पष्ट उत्तर हो जाएगा। ये हमारा चित्र, हम भेद बताएंगे, ठीक है। चौथा पॉइंट हमारा स्पष्टीकरण, विद्यार्थी लिंग का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। स्पष्टीकरण, लिंग संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ होता है निशान। जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति की जाति का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। इसमें यह पता चलता है कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का। लिंग के भेद हैं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। हम व्याख्या कर रहे हैं, स्पष्टीकरण कर रहे हैं, परिभाषा दे रहे हैं। उसके बाद सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, हम फिर मूल्यांकन के लिए शाब्दिक परिभाषा पूछेंगे। पांचवा पॉइंट होगा हमारा प्रस्तुतिकरण, विद्यार्थी पुल्लिंग को परिभाषित कर सकेंगे। विकासात्मक प्रश्न, फिर हम क्वेश्चन पूछेंगे, पुल्लिंग की कुछ उदाहरण दीजिए। छात्र उत्तर देंगे, पिता, राजा, लोहा, चश्मा आदि, ये पुल्लिंग की उदाहरण है। पुल्लिंग क्या होता है, छात्र चुप हो जाएंगे, ये अस्पष्ट उत्तर है। विधि हमारी प्रश्नोत्तर विधि है। छठा पॉइंट है हमारा स्पष्टीकरण, विद्यार्थी पुल्लिंग का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। स्पष्टीकरण है, जिन संज्ञा के शब्दों से पुरुष जाति का पता चलता है उसे पुल्लिंग कहते हैं, जैसे पिता, आदमी, सेठ आदि। फिर हम व्याख्या करेंगे, क्योंकि ये नॉर्मल चीज़ें हैं जैसे पिता, आदमी, ये उन्हें पता है कि ये पुल्लिंग है, बट उन्हें ज़्यादा नहीं पता होता है। जैसे हमने पूछ लिया कि दूध पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग, ऐसे शब्दों के बारे में उन्हें नहीं पता, तो हम उन्हें व्याख्या करके बताएंगे। जैसे पुल्लिंग की पहचान है जिन शब्दों के पीछे आ, तत्व, आ, आप, पा, पन, न आदि प्रत्यय आए वे पुल्लिंग होते हैं। जैसे
बचपन, बचपन क्या है पुलिंग, क्योंकि उसके पीछे बचपन आया है, ऐसे उन्हें बताना है हमें उदाहरण देके। जैसे हमने यहाँ पे उदाहरण दिए पर्वतों के नाम, हिमालय, हिमालय ये पुलिंग है, दिनों के नाम सोमवार मंगलवार बुधवार ये सब पुलिंग है, देशों के नाम भारत चीन जापान ये भी पुलिंग है, धातुओं के नाम सोना चांदी ये भी पुलिंग है, नक्षत्रों के नाम सूर्य चंद्र राहु, महीनों के नाम ये सब पुलिंग है, द्रव्यों के नाम पेड़ों के नाम सागर के नाम समय के नाम अनाजों के नाम वर्णमाला के अक्षरों के नाम समूह के नाम फलों के नाम शरीर के अंगों के नाम ये सब पुलिंग है। सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, हम उन्हें सांपट की सहायता से बताएंगे। अब हम पूछेंगे अंडमान या निकोबार पुलिंग है या स्त्रीलिंग, तो वो बताएंगे क्योंकि हमने उसे व्याख्या कर दी होगी तो वो बता सकते हैं कि ये पुलिंग है या स्त्रीलिंग। ठीक है, सातवां पॉइंट है हमारा प्रस्तुतिकरण, विद्यार्थी लिंग को परिभाषित कर सकेंगे। फिर हम विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे, स्त्रीलिंग की कुछ उदाहरण दीजिए। स्त्रीलिंग के कुछ उदाहरण है माता दादी नानी आदि। स्त्रीलिंग क्या होता है, छात्र चुप हो जाएंगे। स्पष्टीकरण, विद्यार्थी स्त्रीलिंग का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। स्पष्टीकरण, जिन संज्ञा शब्दों से जाति स्त्री जाति का पता चलता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे बकरी लकड़ी घोड़ी लड़की घोड़ी बनावट लक्ष्मी गंगा आदि। स्त्रीलिंग की पहचान क्या है, जिन शब्दों के पीछे ई यानी एन नी आनी आइन इया अट वट ता आई आदि आए वे स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे भाषाओं की नैसर्गिक भाषा होती है स्त्रीलिंग होती है, संस्कृत भाषा हिंदी भाषा पंजाबी भाषा ये सभी स्त्रीलिंग है। जो नदियों के नाम है हमने पीछे पढ़ा था, जो पुलिंग है वो सागरों के नाम होते हैं, पर जो नदियाँ हैं वो स्त्रीलिंग में गिनी जाती है। तिथियों के नाम, जो महीनों के नाम और दिनों के नाम वो पुलिंग होते हैं, लेकिन तिथियों के नाम जैसे पूर्णिमा एकादशी ये स्त्रीलिंग में आते हैं। नक्षत्रों के नाम, पीछे नक्षत्र भी दिए गए थे पुलिंग, कुछ नक्षत्र क्या होते हैं पुलिंग होते हैं, कुछ नक्षत्र स्त्रीलिंग होते हैं। पुस्तकों के नाम, पुस्तक स्त्रीलिंग होती है। आहारों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। आभूषण और वस्त्रों के नाम ये भी स्त्रीलिंग होते हैं। मसालों के नाम ये भी स्त्रीलिंग होते हैं। राशि के नाम ये भी स्त्रीलिंग ही होते हैं। सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, उसके बाद हम पुनरावृत्ति प्रश्न पूछेंगे। स्त्री लिंग क्या होता है, स्त्रीलिंग की पहचान बताइए। उसके बाद निरीक्षण कार्य, छात्र अध्यापिका संपूर्ण कक्षा में घूमकर सांपट पर लिखे कार्यों को विद्यार्थियों द्वारा अपनी लेखन पुस्तिका में लिखे जाने का निरीक्षण करेगी। गृह कार्य, लिंग किसे कहते हैं, पुलिंग और स्त्रीलिंग की क्या पहचान है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ हमें मोटिवेट करने के लिए लाइक ज़रूर करें। आप देख सकते हैं पहले हमने प्रस्तावना के बाद हमने पहले विकासात्मक प्रश्न पूछने पर व्याख्या करी है, फिर मूल्यांकन प्रश्न पूछा है, फिर विकासात्मक, फिर व्याख्या करी है, फिर मूल्यांकन, फिर विकासात्मक, फिर व्याख्या करी है, फिर लास्ट में फिर मूल्यांकन करा है। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।